नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के सॉरी मंडे के लिए मतलब 20 जनवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और रेगुलर बेसिस पे मैंने बाई सेल लेवल देता हूँ, मेरा बाई सेल लेवल कम स्किनर्स से बाई सेल लेवल देता हूँ। और बाई लेवल एंड सेल इधर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बैठा है, तो इधर देखिए ऊपर से ये आप जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर इसको आप नहीं जाने दे रहा है। और उधर से नीचे भी नहीं आ सकता, जरा नीचे भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इधर से बाइंग प्रेशर जब भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये बाइंग प्रेशर तो इसका रेंज में ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इस रेंज के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो इधर अब अभी जो निफ्टी जो लेवल पे है इसको करेक्शन ही होना चाहिए, तो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। ये 400 का लेवल ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। और ये जो हाई लेवल पे है तो इसका करेक्शन आना ही चाहिए। तो इधर जो फर्स्ट लेवल है 270 में इसका फर्स्ट सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट 200 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद ये नीचे आ जा सकता है। तो देखता है कितना दूर आ सकता है। और मैंने आप लोग को लेवल भी दे दूंगा, हर रोज़ लेवल दे देता हूँ, बाई सेल लेवल जब देता हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं। और निफ्टी बैंक का देखता हूँ, निफ्टी बैंक में देखिए इधर ये भी इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना है और ये बहुत ही नीचे आ चुका है, ऑलरेडी करेक्शन इसका हो चुका है। मैंने पिछले वाला वीडियो से आप लोग को देखा था कि बैंक निफ्टी को करेक्शन आना चाहिए, बहुत ही नीचे आ चुका है अभी ऑलरेडी। 31,500 का लेवल ये ब्रेक कर चुका है, 31,454 में क्लोजिंग दिया है। इसका लगता है ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर हो सकता है, लेकिन ये इस लेवल तक इसमें जो सपोर्ट है तो ये सपोर्ट के 31,300 तक ये के आसपास आके सपोर्ट लेगा, ऐसे ही लगता है। उसके बाद ये तोड़ेगा तो 30,970 या 30,935 के आसपास आ सकता है। तो ऑप्शन चेन में जो देखता हूँ निफ्टी का पीसीआर रेशियो जो है, इसमें पुट कॉल रेशियो का जो है और हाई लेवल में था, अभी 1.8 में था, अभी 1.17 में आ चुका है। इसका रेजिस्टेंस बना है 12,500 में और 12,400 ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। और सपोर्ट है 12,300 में। इधर दोनों साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में ही शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो शॉर्ट बिल्डअप जो है दोनों साइड में शॉर्ट बिल्डअप होगा तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है। तो इधर करेक्शन ही होने का ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो कुछ 0.87 ऐसा कुछ है। और इधर 32,000 में इसका रेजिस्टेंस है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में इधर 31,000 में इसका सपोर्ट है। और इधर इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अप ट्रेंड रिट्रेस होने का ऊपर रिट्रेस होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा लगता है, लेकिन नीचे आने का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो देखना पड़ेगा कैसे होता है। मेरा जो 6 दिन का हिसाब से एक्सपायरी डेट जो लास्ट इस एक्सपायरी का तक जो मैंने कैलकुलेट किया है प्रोबेबिलिटी, तो इसमें निफ्टी थोड़ा सा नीचे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं इधर 12,300 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर मतलब 32,000 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग मेरा बाइसेल लेवल का वीडियो देख ऑब्जर्व कर सकते ऑब्जर्व कीजिए कि आप लोग ट्रैक रखिए। तो उधर मैंने बाइसेल लेवल आप लोग को दिखा दूंगा,
बाय लेवल एंड सेल लेवल कौन सा पोजीशन में आप लोग को बाय लेवल और सेल लेवल को कहाँ को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो आप लोग को दिखा दूंगा। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए, तो बाद में आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।